आस्किंग फॉरगिवनेस बनते यस सादर कैन गो अहेड ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन सादर प्रियं कतं सब अच्छयं खमतु मे भन्ते खमामि खमितम् द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मयंकतं सब अच्छयं खमतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मयंकतं सब अच्छयं खमतु मे भन्ते। नमामि खमितब्बं सुखी होतु निब्बाना पच्चे होतु ओकास अहं भन्ते ती शरणेन सह आजीव अट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते ती शरणेन सह आजीव अट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते ती शरणेन सह आजीव अट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। यं महामी तं वदेत आम बनते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि गमनं सम्पूर्णम् आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारावेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
वाचा वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सम्पप्पलापा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सम्पप्पलापा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणगमनं सद्धिं आजीवा अत्यमगशीलं धम्मं साधुकं सुराकीर्तं कत्वा अप्पमादेन सम्पादे तब्बं। आम्पन्ते साधु साधु साधु। In Hindi, I will speak, okay? Yes, yes, Bhante. Yeah, it's been a long time I haven't spoken in Hindi, so I will try. Yeah, okay. Namaste, sab logo ko namaste, mere taraf se. Aur मैं काफी समय से हिंदी में बात नहीं किया क्योंकि मैं बाहर बाहर ही था काफी समय से, तो आज मैं थोड़ा हिंदी पे धम्मा दे सुना दूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है, आप लोगों को तो ये आजीवा अष्टांग शीला सबको पता है ना, शीला के बारे में? यस बंदे। अगर हम ये आजीवा अष्टांग शीला में से एक भी अगर हम शीला तोड़ते हैं तो हमारा ये पूरा आजीवा अष्टांग शीला नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हमें फिर से ये शीला लेना होगा, ये तो सबको पता होगा ना। यस यस बंदे ऑल। हाँ ठीक है, फिर तो मैं आज का धम्मा देशना शुरू करूंगा, ठीक है? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। ये भगवान बुद्ध का धम्मा है। सब पापस्य अकरणं मतलब जितने भी पाप है हम उससे दूर रहेंगे। कुशलस्य उपसंपदा और अच्छे काम की तरफ हमारा ध्यान और अच्छे काम की तरफ हम काम करेंगे। सचित्त परियोदपनं एतां बुद्धानुशासनं। और मन जो है प्यूरिफाइंग द माइंड ना, क्लेंजिंग द माइंड, तो हम हमारे जो माइंड जो है उसे हम प्योर करेंगे। सब पापाशाकरणं, जो कि हम जितने भी खराब काम है उससे हम दूर रहेंगे। जैसे कि अभी हमने आजीवा अष्टांग शीला लिया है जिसमें हम प्राणी हत्या, अदिन्न दाना, चोरी और कामे सुमिच्छाचारा, ये सबसे हम दूर रहेंगे। ये भगवान बुद्धा के पहले टीचिंग है। जितने भी पाप काम है, अकुशल काम है, हम उससे दूर रहेंगे, हम उसे करेंगे नहीं। तो हमारा मन जो है उसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। जैसे कि हम कभी कभार हम रात को सोने के समय हमारा मतलब कुछ डर नहीं रहेगा क्योंकि हमने कोई पाप काम नहीं किया। अगर हम जब सोचेंगे कि हमने आज के दिन में कोई भी पाप नहीं किया और कोई भी गलत काम नहीं किया, तो हम सोने के समय ऐसे हमारे मन में कोई भी शक और डर नहीं रहेगा। उससे हमारा क्या होगा, मन में अच्छा सोच के वजह से अच्छा नींद आएगा। फिर नेक्स्ट डे हम जब नींद से भी उठेंगे हम, तब भी हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ऐसे हर दिन अगर हम शीला रखते हैं तो हर दिन हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा और हम अच्छे से हमारा नींद होगा, अच्छे से पूरा दिन हमारा बीतेगा। ऐसे करते करते जब हमारा समय आएगा, जब हम बूढ़ा होंगे
और हमारा मतलब डेड बेड जहाँ पे हम लास्ट में लेटे होंगे मरने के अंतिम समय में, फिर हम अपना जीवन को जब हम देखेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा हमारा जीवन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आएगा जिसमें हम खराब काम किया है, जिससे हमारा मन में अशांति हो या डर हो। अगर हम उस समय फिर हम मरते भी है तो हमारा अच्छे मन की वजह से हम अच्छा जगह जा पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे ट्रेन करना है हमारे माइंड को अभी से, नहीं तो क्या होगा लास्ट मोमेंट जो डाइंग माइंड मोमेंट होता है ना, उसमें हम ये अच्छे ख्याल नहीं ला पाएंगे और उसी के वजह से हम अच्छी जगह पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम जब ये शीला रखते हैं ना, हमें ये रिफ्लेक्ट करना है कि हमने आज शीला पूरा रखा। हाँ, स्पेशली रात को भी अगर हम सोने के समय, हाँ आज का दिन मेरा पूरा कुशल माइंड था, और फिर आप जब सोते हो तो आपके मन में अच्छा अच्छा से आपका नींद होता है, फिर नेक्स्ट डे भी आप जब नींद से उठते हो पूरा आपका डे आपका लाइफ डे बाय डे अच्छा होते रहता है ये शीला रखने के कारण से। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा कि सब पापस्य अकरणम्, मतलब सब जितने भी पाप का काम है उससे हम दूर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कुशलस्य उपसंपदा। पहले तो आपने ये सील रखा जितने भी पाप का काम है हम उससे दूर है, अभी हमारा अच्छा काम कुशलस्य उपसंपदा, मतलब कुशल करके करके हमें ऊपर आना है। तो कुशल क्या कर सकते हैं हम, एक तो हम पाप के काम से दूर है वो भी एक कुशल माइंड ऑलरेडी हमने बना के रखा है, और नेक्स्ट हमारा कुशल काम में हम दान कर सकते हैं। दान जिसमें भगवान बुद्ध ने दान के ऊपर काफी धम्मा दिया है, दान के ऊपर में भगवान बुद्ध ने काफी प्रेस किया हुआ है, तो उसे हमें समझना है कि दान जो है वो बहुत बड़ा कुशल कम्मा है। तो इसलिए हमें कुशल करने के लिए यह दान करना है। दान आप कई तरह के दान कर सकते हो, संघ दान हो गया जो कि सबसे हाईएस्ट दान है, पुण्यं खेतं अनुत्तरं जो कि संघ दाना है, और ऐसे दान उसके ऊपर में और कुछ है नहीं। मगर फिर भी आप जैसे कि कोई कोई होता है कि संघ दान कर नहीं पाते हैं, फिर भी हम मंदिरों में जाएंगे तो वहां पे भी अगर कोई भिक्षु को मिले हम उनको भी दान दे सकते हैं जो कि संघ दान नहीं है, फिर भी कुशल माइंड हम रख सकते हैं उसके ऊपर में। फिर मंदिर में हम जब जाते हैं, अगर हमारा ये संघ दान या कोई भिक्षु को दान देने के बाद हमारे पास अगर कुछ भी समय होता है तो हम वहाँ पे भी हमारा फिजिकल लेबर जो है थोड़ा सा उसमें हम ध्यान करके वहाँ पे हम थोड़ा सफाई ये सब कर सकते हैं, जो कि उसमें भी बहुत कुशल है क्योंकि वो जो बिहारा है वो भगवान बुद्धा के है ना, तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा सेवा करते हैं थोड़ा सफाई करते हैं तो उसमें भी हमारा काफी कुशल है, और वो भी एक दान का जैसे ही है। फिर जब हम मंदिरों पे जाते हैं ये सब करने के बाद हम फिर भिक्षु को प्रणाम भी करते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टाइमली हम भिक्षु को देखे और वहाँ पे उनको मतलब प्रणाम करे रेस्पेक्ट करे, तो वो भी एक फिजिकल एक दाना इंटेंशन जैसा है, उससे बहुत सारे हमारे चित्ता पे बहुत अच्छा क्वालिटी आते हैं। पहले बात तो अगर हम टाइमली रेस्पेक्ट करते रहे ना भिक्षु को तो हमारा जो मान जो है कौनसी ना वो धीरे धीरे कम हो सकता है अगर हम रेस्पेक्ट करें तो, क्योंकि अगर हमारा ये रेस्पेक्ट जो है भिक्षु लोगों को हम सबसे हाईएस्ट रेस्पेक्ट देते हैं ना, ऐसे रेस्पेक्ट हम मतलब अपने माता और पिता को भी नहीं देते हैं, तो अगर हम रेस्पेक्ट करते रहते हैं बार बार भिक्षु को तो हमारे अंदर से ना एक काफी बड़ा चीज है धीरे धीरे खत्म होता है जो कि मान है ना। पहले तो हम उसे देख नहीं पाएंगे मगर हम अगर ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो देखना एक एक समय आएगा जहाँ पे आप काफी हम्बल हो गए हो, आपका लाइफ जो है बहुत रिलैक्स हो गया है। तो ये सब चीज अगर हम ऐसे एक्टिविटी करें ना तो ये सब चीज से हमारा कुशल डेवलप होते रहता है, कुशल चित्ता,
तो उसी से हमारा मतलब माइंड और रिलैक्स होते रहेगा। और फिर अगेन हम जब लास्ट मोमेंट डाइंग मोमेंट में हम अपने डेड बेड पे है अभी, तो हम अगर लाइफ में अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो हमने पहले तो सब पाप अस्वीकार करे ना, सब पाप से हम दूर रहे, फिर कुशल से उपसंपदा, तो हम देखेंगे हमारे लाइफ में हमने काफी दान दिया है, काफी मतलब एक्टिविटीज किया है धम्म बुद्धा धम्म संघ के लिए, जैसे कि सफाई रेस्पेक्ट, ये सब सब चीजें हमारे अंदर पे है। तो फिर हम अगर ऐसा रिफ्लेक्ट करें ना, तो हमारे मन में बहुत खुशी आता है, मन बहुत खुश है, और उसी खुशी माइंड से अगर हम जब ये दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, तो हम नेक्स्ट वर्ल्ड जहाँ पे भी हम जाएंगे वो खुशी वाला होगा, क्योंकि हमने ना डाइंग मोमेंट पे हमने ऐसे माइंड को मेंटेन करके रख पाया, और ऐसे माइंड की वजह से हम अच्छे जगह पे जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा सब पापस्याकरणं कुशलस्य उपसंपदा, ये धम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम भगवान बुद्ध के धम्मा को फॉलो करते हैं तो ये सब चीजें हमें बिल्ड करना है, ये सब चीज में हमें प्रैक्टिस करना होगा। और थर्ड धम्मा जो है भगवान बुद्ध ने कहा सब पापस्य अकरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपना, मतलब प्यूरिफाइंग द माइंड ना, हमारा माइंड जो है उसे हमें प्योर करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने पाप से हम दूर है और अच्छा काम जो है उसे हम बिल कर रहे हैं, तो अगर हम जब सोचते हैं ना ये सब चीजें, तो हमारा माइंड जो है ना बहुत काम और बहुत रिलैक्स होता है। तो जब ये माइंड जब काम और रिलैक्स है अभी, तो वहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान दे, ध्यान हम कहीं ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं, जैसे वो भगवान बुद्ध के धम्मा में 40 ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन के ऊपर पे, हम अगर ये 40 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो हमारा मन वहां पर रहेंगे, क्योंकि पहले हमारा मन में कोई खराब चीज है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर पहले से हमने एक बाउंड्री सेट करके रखा है जिसमें हम कोई पाप काम नहीं करेंगे, और ऊपर से हमने वहां पे अच्छा काम काफी किया है, जैसे कि मॉन्क्स को रेस्पेक्ट करना, दान देना, भगवान बुद्ध के हॉल विहार पे सफाई ये सब करना, तो ये सब चीजें हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर हम वो अच्छा महसूस को हम अगर हमारे माइंड को लेके अगर कोई भी धम्मा ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, जैसे कि आनापानासति हो गया, या 32 बॉडी मेडिटेशन के ऊपर हो गया, या मेत्ता भावना, तो हमारा वहां पे ना मन रहेगा, और जब हमारा ये मन रहता है ना तो वहीं पे हम अपना साथी जो है माइंडफुलनेस उसको डेवलप कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास अगर हम खाली अगर आके मेडिटेशन करने जाएंगे तो वहां पे हमारा मन पे है ना काफी गलत ख्याल आ सकता है, ऐसे भी आता है, मगर हमें वो गलत ख्याल से हम कैसे उसे कन्वर्ट करें अगर हमारे पास कोई भी अच्छा क्वालिटीज है नहीं। तो इसलिए हमारे पास अगर ऐसा क्वालिटी है जहाँ पे हमने मॉन्क्स को रेस्पेक्ट किया है, दान दिया है, और ये सफाई किया है भगवान बुद्ध के हॉल, ये सब सब चीजें, तो हम इमिडिएटली ना वो माइंड को ना कन्वर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ये अच्छा कुशल की तरफ से, तो उसकी वजह से ना हमारे मन में ना पीती आता है। और फिर से अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को देखे, जैसे कि आना पाना साथी हो गया, सांस को, तो वहां पे हम हमारा माइंड को मेंटेन करके रख सकते हैं माइंडफुलनेस को डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मेडिटेशन करने के पहले हमें ये एक्टिविटीज को डेवलप करना, सीला और अच्छा मतलब पुण्य काम करना, फिर अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना तब जाके हमारा माइंड ना वहां पे रहेगा वही मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे। तो अगर हमारा ये मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा माइंड रहता है, मतलब हमारा माइंडफुलनेस अभी काफी स्ट्रांग है, तो उसके बाद में हम कंसंट्रेशन पे ला सकते हैं, और कंसंट्रेशन अगर माइंडफुलनेस स्ट्रांग है हमारा तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन भी आएगा वहां पे, और फिर आपके मन में फिर से ये गलत है नहीं, कोई एजुकेशन है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पे सील आपका प्योर है, आपने पुण्य काम भी काफी सारा किया है, तो उसके वजह से कंसंट्रेशन भी ना हिलेगा नहीं, आपका सही सही कंसंट्रेशन माइंड रहेगा। फिर वो कंसंट्रेशन माइंड अगर हमारा डेवलप होता है तभी जाके हमारा माइंड
प्योर होता है। तो ये चीजें जो है ना, हमें टाइम टू टाइम ये सब हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये प्यूरिफिकेशन ऑफ अ माइंड जो है परिशुद्ध, तो वो हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो भगवान बुद्धा का टीचिंग यही है, सब पाप साकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदकनं एतं बुद्धानुशासनं। तो भगवान बुद्धा का टीचिंग जो है बहुत सिंपल सा है कि पाप काम से दूर रहना और कुशल काम जो है उसे रिपीटली करते रहना और टाइम टू टाइम अपना माइंड को प्यूरिफाई करते रहना, यही भगवान बुद्ध का टीचिंग है। तो ये चीजें जो है ना भगवान बुद्ध ने हमें बताया है, क्योंकि हमें ये चीजें पता नहीं था, हमें ये चीजें कोई बताने वाला था नहीं। तो अभी भगवान बुद्ध आने के बाद भगवान बुद्ध ने ये जब बताया है, तो काफी लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करते करते वो लोग मतलब सोतापाना, सकदगामी, अनागामी, अरहंत हुए हैं। अभी जो हमारा ये समय है ना, ये अवस्था जो है, ये काफी इम्पोर्टेंट टाइम है, जहाँ पे मॉन्क्स जैसे कि स्पेशली द फॉरेस्ट अरण्य जो है, वो मॉन्क्स लोग ना काफी स्ट्राइव कर रहे हैं, काफी मेहनत करके वो लोग ध्यान करते हैं। तो ये लोग ना ये चीजों में काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, सब पाप साकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदकनं एतं बुद्धानुशासनं। तो हमें ये पता है कि अभी ये जो टाइम है, ये वर्षा काल है, तो इसमें मतलब काफी मॉन्क्स लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम अगर ऐसे सोचे कि इस दुनिया में हाँ काफी लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे मन में थोड़ा सा वीर्य स्ट्रांग हो सकता है और हम ये अप्लाई कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ के प्रैक्टिस पे। तो ये काफी सारे इम्पोर्टेंट है, ये रिफ्लेक्शन जो है इसे टाइम टू टाइम हमें रखना है हमारे माइंड पे। तो आज का धम्मा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, काफी छोटा सा है। और दीपक, अगर किसी को अगर कुछ सवाल है तो वो लोग पूछ सकता है, मैंने कोई प्रिपेयर तो किया नहीं, क्योंकि मैं शायद पता नहीं काफी समय बाद ये ऑनलाइन धम्मा टॉक दिया हूँ, तो मुझे इतना कुछ प्रिपेयरिंग है नहीं। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके बेसिस पे कुछ धम्मा डिस्कशन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है क्या? धम्माच्या विषय प्रश्न विचारा। पुनला प्रश्न है का No one has a question. I'm asking Okay. I I will think tell some more about. Yeah, someone has a question. from where Bhante ji, then they asking where are you Bhante ji? Oh, yes, I'm in Vietnam. People have invited me, and अभी मैं वियतनाम पे हूँ। ये बस्ता काल। Bhante, if somebody practicing Shila Samadhi Panya in this Vassa period is any different from like a normal days and Vassa days? हिंदी में बताओ या इंग्लिश में? हिंदी हिंदी बनते हिंदी में। अच्छा, नॉर्मल डेज और वर्षा में कोई डिफरेंस है नहीं,
मगर ये डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर, हम कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए हमें काफी सारा क्वालिटीज चाहिए होता है। तो अगर हमें वो रिफ्लेक्ट करे तो हमारा माइंड मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। आप नॉर्मल टाइम पे आप जब मेडिटेट करते हो तो आप वहाँ पे कोई मतलब आपका ये रिफ्लेक्शन है नहीं, आप खाली अपने डेली बेसिस का आपका जो रूटीन है आप उसे फॉलो कर रहे हो। मगर अभी जब रेनी सीजन है, जैसे कि मैंने बताया है कि काफी मॉनेस्ट्रीज में मॉन्क्स लोग बहुत स्ट्राइव कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम वैसे अगर सोचे और फिर उसके बाद में अगर हम अपना मेडिटेशन करें तो काफी सारे एनर्जी जो है उसे हम मतलब वो एनर्जी से हमारा माइंड को सपोर्ट कर सकता है। मतलब फिर हम अगर मेडिटेशन करें ना तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है उस मेडिटेशन उस टाइम पे। नहीं तो हम तो थ्रू आउट द ईयर मेडिटेशन कर ही रहे हैं मगर हमारा रिजल्ट जो है वो काफी वीक हो सकता है। मगर अगर ऐसे टाइम पे हम रिफ्लेक्ट करें, हाँ काफी मॉन्क्स लोग प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं भी आज मेडिटेशन करूंगा थोड़ा एफर्ट, तो देखना वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका मेडिटेशन मतलब थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है नॉर्मल टाइम से। इसलिए हम जो मॉन्क्स जो है वर्षा काल के पहले हम काफी सारे डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये वर्षा शुरू हो रहा है, हम उसके पहले पाठी मोक्ष भी करते हैं और फिर हम वर्षा के लिए एंटर करते हैं। तो एक ये कंडीशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आता है और हमें ये पता भी है कि धम्मा पे भगवान बुद्ध के टाइम में काफी भिक्षु लोग जो कि ये 3 महीना में स्ट्राइव करने के बाद में वो लोग काफी सारे रिजल्ट्स मिला उनको, जैसे कि अरहत अनागामी। तो वो इंटेंशन के साथ हम भी काफी स्ट्राइव करते हैं। तो इसलिए वर्षा काल में अगर हम ऐसे सोच के अगर मेडिटेशन करें तो हाँ डेफिनेटली बेनिफिट्स है उसमें। पंते कैन कोई अगर सिर्फ सुत्ता स्टडी से कोई अटेनमेंट तक जा सकता है क्या? ओनली सुत्ता स्टडी? हाँ जब कोई सुत्ता स्टडी करता है तो ये मतलब नहीं खाली वो किताब पढ़ रहा है मगर वो उसमें एनालाइज करता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो भी वो धम्मा प्रैक्टिस है वो, तो तभी जाके वो अटेन हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमने किताब पढ़ा और बस किताब बंद कर दिया ना सुत्ता, मगर वो सुत्ता पढ़ने के बाद वो एनालाइज करता है हाँ भगवान बुद्ध ने क्यों बताया ऐसा, तो वो मतलब चलते बैठते लेटने में हमेशा वो जब सोचता है वो मन, वो भी एक तरीका का मेडिटेशन ही होता है ना, तो तब अगर वो ऐसे करता है तभी जाके वो अटेन हो सकता है। नहीं तो खाली सुत्ता पड़ रहा खाली वो मतलब वो होने के लिए खाली हाँ मुझे एक धम्मा देना है इसलिए मैंने पढ़ा और जो कि किताब में जो जो चीज लिखा है वो ही मैंने रिपीट किया है, तो ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्मा जो भगवान बुद्ध ने ये बताया उसके बाद में हमें एनालाइज करना है क्यों बताया है क्या होगा उससे, और फिर अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के साथ में जो आंसर्स आ रहे हैं ना वो एक फ्लो होता है धम्मा का, उसी के थ्रू से हम मतलब अटेन हो सकते हैं। विद विद समझे ना? टीचर और विदाउट टीचर बंदे? हाँ ये तो एक है उसका डिपेंड करता है तुम्हारे कम्मा के ऊपर पे कि कभी कभार आपका अगर अच्छा पारामी है तो अगर आप वो सुत्ता पढ़ने के बाद अगर टीचर के पास जाते हो और टीचर के पास एक्सप्लेन भी करते हो तो हर टीचर मतलब वो धम्मा के अकॉर्डिंगली वो आंसर दे नहीं पाएंगे, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि टीचर के पास भी जाना क्योंकि स्पेशली टीचर कौन है, अगर वो फॉरेस्ट मॉन्क है वो सीला अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली उनका मतलब नॉलेज जो है वो स्टूडेंट से अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने उन्होंने पहले से पब्बजा लिया हुआ है, उन्होंने ये सुत्ता काफी टाइम से पढ़ा हुआ है, उन्होंने काफी टाइम ये रिफ्लेक्ट किया है सुत्ता के ऊपर पे, तो उनका नॉलेज जो है काफी होगा उसमें। फिर भी वो जब आंसर देता है उसमें अगर वो अरहंत नहीं है और अगर वो अरहंत भी है तो ये जो धम्मा जो है भगवान बुद्धा का वो सुत्ता अंडरस्टैंडिंग सबका अलग अलग सा हो सकता है ना एक्सपीरियंस, तो वो भी मैटर करता है। मगर डेफिनेटली अगर कोई अच्छा मॉन्क है जो कि आप टीचर कहते हो उनको, तो डेफिनेटली आप सुत्ता पढ़ने के बाद आपके पास अगर कुछ आंसर्स आते भी है
तो आपको वो टीचर के पास जाके वो क्वेश्चन फिर से पूछना चाहिए। तब अगर टीचर जब आंसर देता है तो देखना, धम्मा तो सबके एक ही है ना निबाना के लिए, तो वो भी ऐसे वो ही आंसर देंगे जो कि आपका ख्याल से जो आंसर्स आया है, तो वो दोनों एक ही मैच कर सकता है। और अगर वो मैचिंग करता है तब वो आप कॉन्फिडेंटली उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, समझे ना? यस हाँ सम आस्क दैट भंते वर्षावास भंते के लिए ही है या ले पर्सन भी कर सकते हैं? ले पर्सन भी कर सकते हैं ना, मगर ले पर्सन के पास तो काफी सारे ड्यूटीज होता है, मगर वो लोग वैसे भिक्षु के जैसा मतलब टाइम दे नहीं पाएंगे। मगर अगर कोई होता है टाइम देने के लिए, अगर आप लोगों के पास काफी समय है, तो आप लोग भी ये 3 महीना मॉनेस्ट्री में जाके ये 8 शिला या 10 शिला भी रख सकते हो और पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ना भी हो तो एटलीस्ट घर में भी जितना भी समय होता है कि हाँ, अभी जो मैंने पहले बताया ना कि वर्षा के टाइम में भिक्षु लोग मेडिटेट कर रहे हैं, तो मैं भी जितना भी हो पाएगा इस वर्षा के टाइम पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो मतलब मैं हमारा जो नॉर्मल टाइम पे हम जैसा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वर्षा के टाइम में हम थोड़ा सा अपना टाइम लिमिट जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समय कर सकते हैं धम्मा के ऊपर। Somebody asked बंदे हाउ मेनी योर वसा ओ, अभी 13 वर्षा है, चल रहा है, 13 वर्षा कहते हैं हमसे, अभी वर्षा है। 13 वर्ष वसा ओके अजून कोणाला प्रश्न आहेत का काही? मैंने थोड़े समय पहले मैंने धम्मा दिया है ना, सब पाप साकरण कुशल उपसंपदा। कुशल उपसंपदा में मैंने बताया कि अच्छा कुछ करना चाहिए हमारा, जैसे कि दान और रेस्पेक्ट करना मॉन्क को, और ड्यूटीज करना बुद्ध धम्म संघ के ऊपर ना। तो ये ड्यूटीज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा मेडिटेशन करने के लिए, नहीं तो मैंने बताया कि मन टिकेगा नहीं ना एक जगह पे। इसलिए हमें ये अच्छा वो करना चाहिए हमें एक्टिविटीज। मुझे ना नाव वियना में मैं जब था तो एक रशियन मॉन्क ने मुझे पूछा, वो मेरे से जूनियर था, तो मुझे पूछा आके, भंते मैं ना मेरे टीचर के लिए मैं चाय बनाता हूँ किलम पासा शाम को, और मैं फिर उनका कुटी जो है उसको मतलब झाड़ू स्वीप झाड़ू लगाता हूँ, तो उससे मैं निब्बाना कैसे जा पाऊंगा? तो उसका मतलब डाउट है ये। तो मैंने उसको बताया, उनको बताया मैंने कि सोचो कि तुम कभी कभार मेडिटेशन करते हो, मगर तुम्हारे पास ये सब एक्टिविटी तुमने कभी किया नहीं है, कोई टीचर को तुमने कोई गिलाम पासा पूजा नहीं किया, और न ही किसी के लिए तुमने कुछ किया कोई टीचर की वजह से। तो क्या होता है हमारे मन में, हम खाली ध्यान ही कर रहे, तो उसमें ना कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है ग्रो करने के लिए, तो तब आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हो। फिर आप वो मेडिटेशन से उठ के आप थोड़ा वॉक करते हो इधर से उधर, उधर से उधर, फिर आप मतलब मेडिटेशन रिटर्न आने के लिए आपको दिक्कत होता है, मतलब फिर से आप आके बैठ के कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाते हो। तो मगर आपके पास अगर ये है कि आपने कोई टीचर के लिए गिलम पासा बनाया और उनका पूजा किया वो मॉन्क को, वो मॉन्क खुशी से आपको मतलब सुखी हो तो या निब्बाना पच्चे हो तो, और थोड़ा स्माइल भी देता है, तो वो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे डेली लाइफ के लिए। और हमने कुछ झाड़ू लगाया है, ये सब कुछ पुण्य का काम किया है, तो जब हम मेडिटेशन करने आते हैं और हमारा मन मतलब वहां पे रहता नहीं है, तो हम वो मन को हम देख सकते हैं कि मैंने आज क्या किया है। तो फिर तब हम मुझे आएगा, हाँ मैंने उस भंते के लिए मैंने चाय बनाया, उन्होंने सुखी हो तो बताया मुझे, स्माइल किया ऐसे, और मैंने जब झाड़ू लगाया तो वो मतलब वो बहुत अच्छा फीलिंग जो है हम उसे लेके आ सकते हैं हमारे मेडिटेशन पे। तभी जाके अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करें, तभी धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस डेवलप होता है, तभी जाके हम निब्बाना के लिए हम मतलब सही रास्ता से जा रहे। अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, खाली हम मेडिटेशन ही करते रहते, तो वो ग्रो करने के लिए मुश्किल है, और हमारा निब्बाना जाने के लिए भी हमारा
मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमें ये एक्टिविटीज करना है हमें। ठीक है। समरी यस सर, वन मोर क्वेश्चन है, विचार अनम्यूट यस करो। बंदा ही बनते। हाँ सुखी हो तुम। भरते जी, अगर हमें बच्चों को भी धम्म में लाना है और वो कुछ अपने खुद के आलस से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं और हम स्ट्रिक्ट उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये अपने हैं क्या, उनको हम जबरदस्ती ला रहे हैं? हाँ ना, हम जबरदस्ती से धम्मा में किसी को ला नहीं पाते हैं ना। आप अगर उसे उन्हें अगर जबरदस्ती भी लेके आते हो तो उनका मन तो वहां पे रहेगा नहीं, खाली आपके साथ ही वहीं पे बैठा हुआ है, तो वो इतना वो कुछ इम्पोर्टेंस देगा नहीं, और ऊपर से आपको भी डिफिकल्टीज होगा अगर वो साइड में है और कुछ आवाजें कर रहा है, और मतलब आपको आपका मतलब टेंशन जो है आपका हमेशा वही पे रहेगा कि वो सुन रहा है कि नहीं, वो समझ रहा है कि नहीं, तो इसके वजह से आपको भी वो धम्मा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये धम्मा करने के लिए सब एक टाइम होता है ना, टाइमली धम्मा करना चाहिए, तो अभी उनका ये टाइम है नहीं करने के लिए। मगर हम क्या है ना, हमें उन्हें अच्छा एग्जाम्पल दे सकते धीरे धीरे, अगर हम उन्हें खींच के ना भी लाए तो हमें उनको बेनिफिट्स क्या है धम्मा का उसे बताना चाहिए हमें, ताकि वो एक समय आएगा जबकि वो रिफ्लेक्ट करेगा उसमें, और फिर वो खुद से वो आएंगे, तभी जाके वो धम्मा डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए पहले बात तो अगर हमें बच्चों या रिलेटिव्स या किसी को भी अगर हमें धम्मा पे लाना है तो हमें खुद से अपना एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, पहले हमें खुद सीला रखना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरों को सीला के बारे में बता पाएंगे, हमें खुद दान देना पड़ेगा तभी जाके हम दूसरे को भी ध्यान दान के बारे में बता पाएंगे, और स्पेशली हमें मेडिटेशन भी करना पड़ेगा तभी जाके हम दूसरे को भी मेडिटेशन के बारे में बता पाएंगे ना। ऐसा तो अगर हमारे भी कोई बच्चा या कोई रिलेटिव्स है अगर हमें उन्हें लाना है धम्मा पे, तो हमें खुद पहले से प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके वो लोग अगर हमें देखे या हमारे बातें सुने तभी जाके वो लोग मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे वो, नहीं तो नहीं हो पाएगा ऐसा। पर भंते हम कर भी रहे हैं, हाँ, पर वो सुन नहीं रहे होंगे। अभी तो छोटे हैं, 12 साल के, नहीं क्या? पर वो सुन नहीं रहा हो तो इसलिए मैंने बताया कि खाली ये धम्मा भगवान बुद्ध का डायरेक्ट टीचिंग नहीं, मगर आप एक कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो ना कि ऐसे है होता है कि ऐसे भिक्षु लोग ऐसे प्रणाम करने से ये क्वालिटी आता है, वो क्वालिटी आता है लाइफ में, अगर हमारा मतलब जैसे कि पढ़ाई में अगर मन नहीं है तो कैसे मन को लाना पड़ेगा, अगर मॉन्क्स को रेस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारा मतलब मन धीरे धीरे अच्छा होता रहता है, फिर थोड़ा भी समय आप पढ़ाई में मन दोगे तो वो काफी सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे मतलब काफी सारे एक्टिविटीज आपको मतलब कुछ देख के उनको बताना पड़ेगा, डायरेक्ट ये नहीं कि ये प्रणाम करो भगवान को और ये चैंटिंग सीखो, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी आपके उधर से जो भी धम्मा है उसे आप एक्सप्लेन करो धीरे धीरे से, क्योंकि छोटा है वो लोग अभी मतलब उनका तो मन है नहीं धम्मा के लिए, उनका तो दूसरा ही मन है, तो मगर आप अगर एक्सप्लेन करते देते हो तो धीरे धीरे उनके आएगा मन पे। ठीक है, उनके साथ साथ में ऐसे ही करूंगी, साथ साधु साथ। सुखी। सम क्वेश्चन मोर हैव, इज इट ओके टू टेक बंदे? ओके, यस यस नो प्रॉब्लम। वर्षावास में भंते जी को क्या दान करना चाहिए जिससे हमें महापुण्य मिले? बसता है महापुण्य, वर्षा का पहले जो आराधना करते हैं ना उस समय तो मतलब ये क्या कहते हैं इसे रेन क्लोथ ना, भिक्षु लोग जो एक अंतर्वास का होता है ना उससे थोड़ा सा छोटा साइज का एक कपड़ा होता है जो कि रेन बाथिंग क्लोथ कहते हैं उसे, पाली मुझे पता नहीं, वो भूल गया मैं, तो वो चीज है
देके देना चाहिए, और वसावास के समय में मैंने जो देखा है, लोग मतलब ये टॉनिक देते हैं, जैसे कि घी, बटर, जेगरी, मॉन्क्स को, क्योंकि वो लोग ऐसे वसा के टाइम में, हमें पता है कि वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो मतलब रात को थोड़ा सा उनको मतलब सिकनेस आ सकता है, पेन आ सकता है, तो ये टॉनिक अगर हम वो सोच के देख, यहाँ भिक्षु लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो अगर हम ये टॉनिक दे जैसे कि घी, जेगरी, हनी, तो ये काफी बेनिफिट आ सकता है, जैसे हमें महापुण्य, बहुत पुण्य मिल सकता है उससे, तो ये सब गिफ्ट जो है वो काफी अच्छा है देने के लिए। हाँ समझे ना। यस यस आई थिंक दैट्स एन अप क्वेश्चन सर यस ओके ओके इट्स नो मोर क्वेश्चन बन देता हूँ ओके ना, टुडे नो मोर क्वेश्चन एंड द टाइम इज 39, देन वी कैन एंड अप ना टुडे सेशन, हाँ यस बन देन आई विल डू द ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, ओके, देन यू ऑल जस्ट कीप योर हैंड जॉइंट एंड आई डू द अनुमोदन फॉर यू। सभ्ये दियो विवा जन्तु सब रोगो विनाशतु, माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते अधिवादनशीलिस्त निच्छं वृद्धापचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं, आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च, अतो निब्बान संपत्ति मेनाते समेच्यतु। साधु साधु साधु, मे यू बी वेल, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू बंदे ओके, ऑल द बेस्ट, तिरुवन शरण।